पैराग्लाइडिंग के लिए विश्वविख्यात बीड बिलिंग में सेना की पहली पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप प्रतियोगिता का समापन हो गया। प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों पर थल सेना के जवानों का दबदबा रहा। तीन दिन तक चली पहली इंटर सर्विसेज पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप प्रतियोगिता में भारतीय थल सेना के नायक आशीष ने 1180 अंक लेकर पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि भारतीय थल सेना के ही कुपु स्वामी ने 1466 अंक लेकर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं थल सेना के ही नायक सुनील ने 1567 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। जम्मू कश्मीर से आए आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने तीनों विजेताओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ सोमवार को दहा डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अनिल कुमार समत्रा ने किया था। इस प्रतियोगिता को दो भागों में बांटा गया था। पहले दिन प्रतियोगिता में 20 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जबकि दूसरे दिन 24 पायलटों ने निर्धारित लक्ष्य के लिए उड़ान भरी। इस प्रतियोगिता में थल सेना, नौसेना, वायुसेना, बीएसएफ तथा असम राइफल के 14 पायलटों ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के बीड बिलिंग में सेना के पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कप के समापन पर पहुंचे भारतीय थल सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने कहा कि सेना या सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कोई भी राजनीतिक बयान से सेना को फर्क नहीं पड़ता है। सेना अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करती है। देश की रक्षा के लिए सेना हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने कहा कि यदि देश में फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत पड़ेगी तो सेना उसे भी करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सेना किसी भी कार्रवाई से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है और इसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी एक विकल्प है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सेना भी लगातार अपने कार्य में बदलाव ला रही है। सर्दियों में बर्फबारी के बीच सेना दुश्मन को किसी भी सूरत में कोई भी मौका नहीं देगी। इसके लिए जो जरूरी बदलाव होता है उसे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीड बिलिंग में पहली बार भारतीय सेना एक्यूरेसी कप का आयोजन किया गया था। ऐसे आयोजन आगे भी होते रहेंगे। एडवेंचर एक्टिविटीज इन द आर्मी, इन द आर्म्ड फोर्सेस एंड इन आवर कंट्री। Paragliding, as you all are aware, is a very new adventure sport. But what you saw the demonstration this morning and the competition, it was actually very satisfying to see our participants who have achieved such high degrees of professionalism, high standards of training, very good equipment which was provided to them, and they have been able to ensure that they reach very high standards as far as paragliding is concerned. As per the inputs available with us, there is no change in the terrorist infrastructure across the line of control in Pakistan-occupied Kashmir. And therefore, we do keep having several reports of attempts at infiltration by Pakistani-trained terrorists trying to come into our motherland and to cause destruction and cause casualties. Our counter-infiltration grid at the line of control and various tiers of the grid right up to the hinterland is very effective, and it is because of that over a period of time we have been able to neutralize a large number of terrorists who have been trying to infiltrate. As far as the security situation in the hinterland is concerned, it is again under control. There are occasions when some kind of a movement of terrorists is reported, but it is to the credit of the security forces that we have just been able to ensure a relatively peaceful first urban body local elections which have just taken place and concluded yesterday, and we are equally prepared for the panchayat elections which are likely to start after another couple of days. Gentlemen, so we have to take off. Sir, last. कि गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर अपनी रणनीति के ऊपर बदलाव लाते रहें, और उसका उद्देश्य एक ही रहता है कि दुश्मन की किसी भी कार्रवाई के अंदर उनको सफलता नहीं मिलनी चाहिए। तो ज्यों ही सर्दियां शुरू होती हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के कई इलाकों में बर्फबाजी शुरू हो जाती है, तो हमें भी अपने डिप्लॉयमेंट के अंदर, अपने काम करने के तरीके के अंदर बदलाव लाना पड़ता है। इस प्रकार का बदलाव इस साल भी लाया जा रहा है, और ये बदलाव बड़ा आहिस्ता आहिस्ता होता है, क्योंकि कई बार किसी इलाके के अंदर बर्फ जल्दी पड़ जाती है, किसी इलाके के अंदर बर्फ बाद में पड़ती है। लेकिन जो भी बदलाव लाया जाता है, ये जरूर यकीन किया जाता है
कि किसी भी हालत के अंदर कोई भी ऐसा मौका दुश्मन को ना दिया जाए जिससे कि वो उस हालात का फायदा उठा सके। और ये मैं आप सबके जरिए विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारतीय सेना बिल्कुल तैनात है और किसी भी काम करने के लिए सक्षम है, और कोई भी दुश्मन की द्वारा अगर कोई हरकत की जाएगी तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।